हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि हमारे सेकंड सेमेस्टर का डीएससी सब्जेक्ट है, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम का, ठीक है। और ये है हमारा एसवेल रेगुलर एनसीवेब तीनों के बारे में है, ठीक है। इस वीडियो में हम सिलेबस, मार्क्स वेटेज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिलेबस दिखा देती हूँ तुम लोगों को। तो हमारे टोटल 5 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, सेकेंड यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, थर्ड यूनिट है वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स एंड शेयर्स, फोर्थ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज एंड इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, फिफ्थ कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। फिफ्थ यूनिट जो हमारा थ्योरी है, फोर्थ यूनिट हमारा प्रैक्टिकल है, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट यूनिट हमारे चारों प्रैक्टिकल है, बस फिफ्थ यूनिट हमारा थ्योरी है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो हमारा 12 मार्क्स का है, ठीक है। सेकेंड यूनिट 24 मार्क्स का है, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फाइव यूनिट 18 मार्क्स के हैं हमारे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट तो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो कोई से भी तीन यूनिट कर लो, जिसमें फर्स्ट सेकेंड यूनिट तो करना ही करना है, और तीसरा यूनिट आप कोई भी कर सकते हो। मैं रेफ़र करूँगी कि आप थर्ड यूनिट जो है हमारा वो थोड़ा इजी है, उसमें क्या है गुडविल वगैरह है और शेयर्स की वैल्यूएशन है, तो वो इजी आप वो कर सकते हो। फिर या फिर आप यूनिट 5 जो कि थ्योरी हमारा वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। फिर उसके बाद अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमारा 12 मार्क्स का है, जिसकी 13% वेटेज है। इसमें हमारा देखो क्या होता है कि पेपर में हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ए बी करके होता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट होता है हमारा प्रैक्टिकल का होता है, जिसमें इशू ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, फॉरफीचर, रीइशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, इन में से कोई से भी दो या तीन चीज़ पूछ लेंगे, ठीक है, उसके बारे में। और फिर जो बी पार्ट होगा वो हमारा थ्योरी का पार्ट होगा, जिसमें बायबैक ऑफ शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ESOP, बुक बिल्डिंग, CRR DRR, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। तो ज़्यादातर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बायबैक ऑफ शेयर्स और एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट है, और उसके बाद बुक बिल्डिंग, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ भी थ्योरी का कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, उसमें। फिर यूनिट 2 में हमारा जो कि हमारा 27% का वेटेज रखता है, 24 मार्क्स का है, उसमें हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, जिसमें हमारे P&L आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेकेंड यूनिट में है इम्पॉर्टेंट, पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है, तो ये तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड यूनिट तो छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद थर्ड यूनिट है हमारा जो कि 20% वेटेज रखता है, 18 मार्क्स का, जिसमें हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड्स ऑफ गुडविल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ये एसर्टेन वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी अंडर इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड एंड यील्ड वैल्यू मेथड, या फिर आपको दोनों ही पूछ लेगा, या फिर कोई एक पूछेगा तो वो इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड या फिर दोनों पूछ लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट 5, यूनिट 4 मैं अभी बताऊंगी, यूनिट 5 पहले, उस जिसकी सेम 20% वेटेज है, 18 मार्क्स का हमारा है, उसमें हमारा XBRL, सेगमेंट रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, CRS, या फिर डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रिपल बॉटम लाइन, ठीक है। देन उसके बाद हमारा यूनिट 4 जिसका 20% वेटेज है, 18 मार्क्स का है, उसमें हमारा शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है कभी कभी, परचेज कंसिडरेशन, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मेथड, कोई से भी दो, ठीक है, एटलीस्ट दो तो लिखना ही है। फिर उसके बाद एक्विजिशन और रिकन्स्ट्रक्शन, जो कि हमारा एमलगमेशन मर्जर है एक्विजिशन में, और रिकन्स्ट्रक्शन में अकाउंटिंग, पूरी की पूरी अकाउंटिंग पूछ लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है, और जनरल एंट्रीज पास करो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था, जिसमें आपको फर्स्ट यूनिट, मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट बिल्कुल नहीं छोड़नी है,
और तीसरी यूनिट आप कोई से भी अपने हिसाब से जो आपको सही लगे उस हिसाब से कर सकते हो। मैं रिफ़र करूँगी कि आप यूनिट 3 करो, छोटा सा है और ईजी है, ठीक है। नहीं तो आप यूनिट 5 कर सकते हो, जो कि थ्योरी है। यूनिट 4 बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिकल ले है पूरा, तो उतना अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल अवॉइड करनी है तो यूनिट 5 कर सकते हो, या फिर हल्का फुल्का प्रैक्टिकल हमारा यूनिट 3 में है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, बाय बाय।